उसकी घात हटाने लगाने प्लस माइनस चेंज करने का बदलने का जो भी तरीके का पहला पार्ट था मैं उसको लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, उसको भी हम यहाँ पर आई बटन पर भी दे देंगे। और उसके साथ यहाँ पर आप देखते रहेंगे तो आई बटन पर यही पार्ट का नाम लिखा रहेगा, उसके साथ ही लास्ट इंड स्क्रीन पर भी आपको यहाँ पर साइड में मिल जाएगा। वो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये सारी जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है इसका डिटेल पूरा बेसिक हम समझाए हैं, इतना बेसिक आपको सारी पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, आप चाहे पूरा छान डालेंगे तो नहीं मिलेगा। और उतने बेसिक के साथ ही साथ उतने अच्छे तरीके से भी समझाया भी गया है, जैसे भी आप समझना चाहेंगे वैसे समझ सकते हैं। आपकी जो भी कमियाँ हैं, आपके अंदर माइंड में जो भी डाउट हो रहे हैं कि ये कैसे हो जाता है, वो सारी चीज़ें इनमें हमने बताया हुआ है, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने कुछ रूल के साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे और सारे रूल को हमने समझाया भी था उसके साथ। तो यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं अब इन सब 10 की पावर को हम डेसिमल से कैसे रिलेट रखेंगे, उनको कैसे घटाया बढ़ाया जाएगा। वीडियो जो भी छोटा बड़ा हो जरूर देखिएगा, आपके लिए इफेक्टिव होगा। उस वीडियो को भी देखिएगा, इस वीडियो को देखा और कमेंट लाइक जरूर करना है आपको, बाकी चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी इच्छा है तो जरूर कर देना। चलिए यहां पर हम इसको हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। ये पार्ट टू होगा आज आपके लिए और पार्ट वन में हमने कुछ चीज़ें समझाई हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, तो पक्का आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर आप एक बार देख लेंगे तो शायद आपको यही कहेंगे कि इस तरीके की वीडियो हमें पहले क्यों नहीं मिली, नहीं तो हमारी जो न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम थी वो अभी तक दूर हो जाती और इसी की वजह से मेरा न्यूमेरिकल अभी तक नहीं आ रहा था। तो वो आप सोचते ही रह जाएंगे, आज कहेंगे कि हाँ अब सर हमें न्यूमेरिकल लगाने में उतना दिक्कत नहीं होगी, आज के बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज के बाद भी मुझे पता है कि आपको ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगर हम लिख देते हैं 2.6, कितना लिख दिए 2.6 और 7.5 ऐसे लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए 10 की घात आपका कुछ भी लिख दिए, यहाँ -2 लिख दिए। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये आंसर आपका लाए रहते हैं गुणा करके भाग करके सारे सिस्टम करके ला के यहाँ पर ला के रख देते हैं, तब आपका दशमलव जो है इस तरीके से न रह करके कुछ इस तरीके से हो, देखिए कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जा रहा है किसी में का, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है ये तरीका, देखिए तो ये से है तो आपको प्रॉब्लम होती है कि सर देखते हैं आंसर दूसरा आ जाता है आपका इस तरीके से आ रहता है, और आंसर आप देखते हैं तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा रहता है, यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा रहता है। अब आपकी बात समझ में नहीं आती सर ये कैसे हुआ, हमारा तो ये आ रहा था लेकिन आंसर में ये आ रहा है, तो ये कैसे हो गया। ये सारे रूल का इसमें यूजेज हुआ था जो पिछले वीडियो मैंने बताया है, फिर भी कुछ चीज़ें हम समझते हैं। एक बात को हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान अपने लिए रख लेंगे, क्या रख लेंगे ये चीज़ यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दशमलव इधर जाए और दशमलव इधर जाए, तो 10 की घात 10 की घात इसमें जो प्लस होगी प्लस घात हो, अगर मान लीजिए प्लस घात हो तो घटेगी, प्लस घात हो तो क्या होगी घटेगी, ठीक। और माइनस घात क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या है 10 की घात अगर इधर जा रहा है दशमलव इधर, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, इधर जा रहा है तो हमारा सेम वही चीज़ यहाँ प्लस की घात बढ़ेगी और माइनस की घात घटेगी। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करके देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दशमलव है और यहाँ पर दशमलव है, हमें एक अंक पर लाना होता है, तो एक अंक दो अंक, दो अंक क्रॉस किए, कितने अंक क्रॉस किए दो अंक, और दो अंक का मतलब जब कभी भी वो 10 की पावर 2 माना जाएगा, कितना माना जाएगा 10 की पावर 2,
टेन की पावर टू, मतलब कि हमें 10 की घात दो, दो घात कहने का मतलब दो घात, दो अंक का मतलब दो घात, तीन अंक का मतलब तीन घात, चार अंक का मतलब चार घात, किस में? टेन में। तो यहाँ पर दो अंक मेरा इधर जा रहा है, जब इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है तो आपकी जो ये पावर है ना माइनस में है, और जब माइनस में होगी तो वो बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर कितने अंक, सॉरी यहाँ पर आंसर इस तरीके से आना था, कितने अंक आया है? दो अंक आया, तो यहाँ पर सिक्स होगा, कितना होगा? सिक्स होगा, तो आपका सिक्स होगा, फाइव नहीं होगा, क्योंकि दो अंक आए, चार में दो ऐड हो जाएगा, चार में दो अंक और ऐड हो जाएगा। और ये क्यों ऐड होता है ये भी चीज़ समझिए, ये इसलिए ऐड होता है कि हमें पता है जब हमारा इसको दशमलव इधर लाएंगे, जब हम इसमें दशमलव इधर इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं, यहाँ पर 10 की घात माइनस चार पहले से था, अब इसको दशमलव इधर लाना है तो हमें इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें दशमलव इधर आना है तो इसमें भाग करना पड़ेगा, मतलब ये वाला पोर्शन में काम करना पड़ेगा, इसमें कितने का लाना? दो अंक, दो अंक मतलब हमें ये इसका भाग करना पड़ेगा, तो इसका भाग करना पड़ेगा, तो सीधी बात हो गई 10 की घात मतलब 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 को मतलब आप समझ सकते हैं दूसरे रूप में 10 की घात, 100 को आप समझ सकते हैं 10 की घात 2, और 10 की घात को ही अगर ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 2, यहाँ पर हमने लिखा, देखिए ये सारे प्रोसेस हमने लिखे हुए हैं, तो ये 10 की घात माइनस 2, अब 10 की घात 2 और 6 और दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारा ये दशमलव जो है यहाँ पर आने के बाद हमारा ये ऐड हो जाएगा तो हमारा माइनस 6 बन जाएगा, तब हमारा ये हुआ था। बात को समझिए, बस आपको यही रिलेशन हमें समझाना है आखिर ये क्यों घट बढ़ जाता है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है, मैं समझता हूँ कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत बड़ी बनती है। तो चलिए हम आगे और चीज़ें बताते हैं, ये आज दूसरा पार्ट है, यहाँ पर ये आज आपका दूसरा पार्ट है, किसके साथ? दशमलव का हटना और लगना, कुछ इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर आज हमें देखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये देखिए ये है, अब आपका आंसर काटने के बाद कुछ भी करने के बाद आपका आंसर ये आ गया, आपका आंसर ये आ गया, तो हमें क्या करना है, एक अंक पे दशमलव लाना है, कहाँ पर? यहाँ पर लाना है, इस तरीके से लिखना है। अब इस तरीके से लाने के लिए हमें दशमलव इधर जाना पड़ेगा, इधर कितने अंक जाना पड़ेगा? एक अंक जाना पड़ेगा, और इधर जब हम एक अंक जा रहे हैं तो हमें पावर देखना है किस में, पॉजिटिव में है निगेटिव में है? पॉजिटिव में है, और जब पॉजिटिव होगी तो घट जाएगी, पॉजिटिव होगी तो घट जाएगी, मतलब हमारा ये 10 की घात 4 हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 10 घात 4, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, सारा आपका यहीं पर मज़ा है, ठीक है। और चीज़ें हम बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको करना है, आपको पता है कि इसका दशमलव एक अंक पर आएगा, मतलब कि आपका दशमलव यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आएगा। अब लेकिन आपको नहीं पता कि 10 की पावर कितनी बनेगी, कैसे पर नहीं पता, दशमलव इधर आ रहा है मतलब इधर आ, और इधर आ रहा है, पॉजिटिव पावर बढ़ा दीजिए, पॉजिटिव पावर को आप बढ़ा दीजिए, कितना अंक आ रहा है? दो अंक आ रहा है, तो दो अंक इसमें बढ़ा दीजिए, 5 पावर कर दीजिए। अब सोचिए 5 पावर कैसे बढ़ी, इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं, प्रूव करना पड़ेगा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको था, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 10 घात 3 था, अब दशमलव इधर आपके अंक इधर हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड यहाँ पर इसको दशमलव जिसे लगाना होता है हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है दोनों साइड, तो हम इसमें क्या करेंगे, इधर लाना है तो इसमें हम इधर साइड भाग करेंगे, इधर साइड हम जैसे भाग करेंगे, और इधर साइड हम जैसे इधर साइड हम क्या बढ़ाएंगे, 10 के 2 अंक जा रहा है, 10 की घात 2 बढ़ाएंगे, और जैसे ही 2 बढ़ाएंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्या है समझने वाली बात है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर ये याद रहेगा आपको, ये पता रहेगा तो आपको ये, जब कभी भी कहने का मतलब हमें दशमलव जो है, ये दशमलव देख रहे हैं ना, इस दशमलव को अगर हम
इधर हटाना चाहते हैं, इधर लगाना चाहते हैं, मतलब इधर हटाना चाहते हैं, तो हमें नीचे साइड उसके भाग करना पड़ता है, किसका, इन सब का, जीरो का। और जब कभी भी दशमलव में इधर लगाना होता है तो हमें ऊपर साइड करना पड़ता है, तो आप खुद ही यहीं से गैप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर हमने ऊपर बढ़ाया तो ये सारा प्रोसेस हो गया था। उसके बाद हम और चीज़ें हम यहाँ पर समझाते हैं कि कैसे आपको कटिंग इसमें करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका बुक का ही है, 0.96679 गुणा 10^-13 है। ये आपके एक बुक से है, अच्छे से समझिएगा, ये आपके आंसर आ रहा है। कोई सवाल इसको लगाया उसका आंसर इतना आ रहा है। हमें एक अंक पे लाना होता है, कहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लाना है। अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लाएंगे तो दिमाग में रखिए कि एक अंक अगर हम इधर लाएंगे तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए इसमें दो आंसर लेके आएंगे, ये आंसर आ गया, इधर जा रहा है दशमलव, इधर अगर इधर जा रहा है तो हमारा माइनस पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगी 14, 1.45 है। अब इसको आपको यहाँ पर लिखा है 10^-6, मतलब कुछ इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो कैसे, देखिए 1.45 और यहाँ पर 00 लगा के, सॉरी यहाँ पर ऐसे लगा दिए। अब इसमें देखते हैं दशमलव कहाँ पर गया, दशमलव यहाँ पर इसमें यहाँ बाहर चला गया, और बाहर जाने के बाद दो अंक और ऐड हो गया, तो इसका मतलब इसमें चार अंक और ऐड हुए, चार अंक और निगेटिव में भी ऐड हुए, और जब चार अंक निगेटिव में ऐड हो जाएंगे 10^-10 बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1450 लगा कर यहाँ पर हम इसको एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा होता है एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है 10^-10, ठीक, इतना मीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज होगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझना है, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर देना है। सेम इसी तरीके से इसमें भी था, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना हो तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका हो जाता इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ इस तरीके से हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा होता है आपका। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझने में आनी चाहिए। अब रही बात दशमलव का, अगर गुणा करके हम कभी भी करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2.5 और मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, इससे मल्टीप्लाई करें और इसमें हम 10^-3 करें, तब हमें क्या करना, इसको हमें क्या करना था, इसको पहले गुणा कर लेंगे, मतलब इसको हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद इसको हम करेंगे। अतः 15 का हम बाहर पढ़ लेते हैं, 15 × 5 = 75 और 15 × 2 = 30, 30 + 7 = 37, हमारा कुल मिलाकर इतना है। दशमलव दो पर लगा हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है, और 10^-3। यदि आपका दशमलव यहाँ पर ना लगा होता तो इसको हम दशमलव लगाते तो ये दशमलव, मतलब ये हमारा जो पावर है चेंजेज इधर उधर होते, तो चेंजेज किससे होंगी ये आप समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सवाल देते हैं, इसको आपको होमवर्क के रूप में कर देना है, और आपको कहना है, कमेंट करना है यहाँ पर 10^2 और गुणा के बाद आपका यहाँ पर हो गया 2.5 गुणा 10^ ये हो गया। अब इसको आपको होमवर्क के रूप में काम करना है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको करना है, कैसे इसको गुणा करने पर कितना दशमलव आएगा, कहाँ पर घाते आएंगी, कौन से पॉजिटिव कौन से निगेटिव कैसे बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। जो कभी दिक्कत हो कमेंट कर देना, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट इसका जो भी मिलेगा उसमें पूरा कंप्लीटली उसमें हम आपको समझाएंगे। तो जरूर हमारे चैनल पर स्टे रहिएगा, और इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पर कहीं कर लीजिए, या फेसबुक पेज है जो हमारा, उसको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड वीडियोज आपको इंड स्क्रीन पर मिलेंगे ही, उसको भी आप देख लीजिएगा, जितने भी वीडियोज हैं इंड स्क्रीन पर आपको मिलते रहेंगे। और बाकी आप चैनल पर ही मेरे सेकंड चैनल को विजिट कर दिए, डिस्क्रिप्शन उसके लिए मास्टर इन वर्ल्ड टेक चैनल का नाम है, सेकंड चैनल का नाम है, उसको आप आराम से विजिट कर सकते हैं, जाके देख लीजिए।